माता की जय। ऋषभ के नंबर प्लेट निकाल दी तूने? मैंने नहीं निकाली भाई, सॉरी बट यहाँ पर लिखा हुआ है ड्रोन नहीं उड़ा सकते, ना ही आप स्विमिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, ना ही आप कैंपिंग कर सकते हो, कचरा फेंक सकते हो। ओह माय गॉड, कचरा यानी फेंको ऐसे रस्ते पे नहीं, डस्टबिन में। हाँ, मुझे मुझे मेरे पैर पे ना कुछ सेंसेशन फील हो रहा है, मैं अब नीचे नहीं जा रहा। बहुत ज्यादा ही नीचे वो भाई, ये लकड़े की सीढ़ी है। चलो भाई चलो, डर लग रहा है नीचे जाने का। ओह माय गॉड भाई, ये देख के मैं नीचे तक नहीं पहुँच पाऊंगा। इस पे स्लाइड करना है तुझे भाई। राम 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 राम। चलो यार, कितना टाइम लगा रहे हो तुम लोग, जल्दी जल्दी नीचे आई होगी। सो इट्स बीन अ व्हाइल, हम लोग कब से यहाँ पर ही खड़े थे, और अब आया है ऋषभ शर्मा जी। कैमरा निकाले बिना तो गाड़ी से बाहर आ सकते हैं? नहीं। क्या लेके आए? अरे एक व्लॉगर के लिए है ना, उसकी एसेसरीज बहुत मैंडेटरी होती है। चार्जर, हमारा केबल, हमारी एसेसरीज, हमारा गिम्बल, हमारा गोप्रो, सब इसी में है। बहुत अच्छा, क्या तो जल्दी जल्दी रखो इसको और फिर अपने चलते हैं। हमारा ड्रोन था ऋषभ शर्मा के पास, तो अभी ये हम ड्रोन को चार्ज करेंगे, ड्रोन जर्नी, और फिर हम उससे मॉन्टमोरेंसी फॉल और उड़ाएंगे। कौन कौन आईडी बोल चुका है? आईडी नहीं लगना चाहिए तेरे को, मेरे को तो पता ही नहीं था। मैं तो बोला इसने मुहेरे को बोला कि आईडी ले ले, और ये खुद नहीं लेकर आया। बोल के आया, आईडी लेना क्यों, उसका रीजन नहीं पता। एक्चुअली ध्रुवित बोला था कि चेक इन करने के लिए, बट एयरबीएनबी में चेक इन इस तरह से होता है, लाइक उसे कॉल करो या मैसेज करो, वो कोड दे देगी, और हमें वो कोड डायल कर देने का, उधर से की मिलेगी हमें, और फिर वो की से टैप करके हम अंदर जा सकते हैं। होटल्स में जाते तो उधर हमें पासपोर्ट की जरूरत पड़ती। मॉन्टमोरेंसी फॉल सर्च कर, और अब गाड़ी उधर ही रुकनी चाहिए, उसके पहले कहीं नहीं। दिया था तेरे को गाड़ी में लगाने के लिए गोप्रो का स्टैंड, वो कहाँ है? वो कहाँ है? क्यूबेक सिटी और मॉन्टमोरेंसी की जानने वाली बात यह है कि 9 to 5 ही सब चीजें ओपन रहेगी, उसके बाद सब बंद हो जाएगा। तो हम ऑलरेडी लेट है, हम ट्राई करेंगे, क्योंकि हमारी टिकट एक बुक रखी है हमने, वो जो है वो केबल कार्ट वाली, तो वो तो वाटरफॉल के सामने से जाएगा, मजा तो आएगी, और रेनबो वगैरह सब दिखेगा। बट द थिंग इज, हमें वहाँ पर है ना 3 तक एनी हाउ पहुँचना ही है, और अभी 11 बज रहे हैं, तो 3 का है, बीच में ब्रेक लेंगे फिर पहुँचेंगे, तो जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। गूगल मैप में डोफना दिया है हमें। सफर शुरू होते ही अभी हम ब्रेक के लिए रुक चुके हैं, और अभी हम टिम हॉर्टन पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पर चाय नाश्ता कॉफी पियेंगे, एंड देन हम पहुंचेंगे माउंट ट्रेम्बलेंट, सॉरी मॉन्टमोरेंसी फॉल। आई वांट टू ऑर्डर फॉर 5 फ्रेंच वनीला मीडियम विद हाफ हॉट चॉकलेट। तो इतनी सारी चीजें ऑर्डर दे दी। नो दैट्स इट, आई वांट टू पे विद कार्ड। 2905। परफेक्ट। अगर आप टीम हॉटल में आ रहे हो तो आपके पास टीम कार्ड हो तो बेनिफिशियल होता है। इसके अंदर डोनट है 3, और वो 5 कॉफी है, और 5 हमने बैगल लिए हुए। सारी चीजें रेडी है, एंड वहाँ पर हमारे बाकी के मेंबर्स आ गए। योगी व्लॉग बना रहा था, पूरे टीम हॉटन की कंटेस्टेंट आके देख रहे थे। तुम लोग कितना स्क्रिप्टेड व्लॉग बना रहे हो, अपने लेट हो रहे, टाइम क्या हो रहा है दिखाना, तो 250 किलोमीटर अभी भी बाकी है। कॉफी गाड़ी में पियेंगे। ऋषभ यहाँ पर व्लॉग बना रहा था, तो किसी को लगा सेल्फी ले रहा है, तो उसको कुछ कपल्स ने पकड़ लिया है, और अभी खुद की फोटो निकलवा रहे। ये फोटो पाड़ दो भैया, तब से फोटो खींच रहे भाई, ये शादी के लिए फोटो एल्बम बनाने का है क्या इनको? बाकी पक्का गुजराती है, उधर जाके उन लोग की फोटो खींचे, फिर बोलते सब्सक्राइब टू माई चैनल बोलो। वैसे आज है थैंक्स गिविंग डे, एंड आज का वेदर भी बहुत बेस्ट है, सो लकीली वी आर गोइंग टू दिस प्लेस, एंड वी आर गोना एंजॉय टुडेज वेदर एज वेल। और अब हमें निकलना पड़ेगा, अब समय आ चुका है, वरना 3 भी पहुंच के हमें वो उधर लाइन में खड़ा रहना पड़ा तो हम क्या कर लेंगे, 5 तो बंद हो जाएगा। एक व्लॉगर की पहचान होती है चश्मा, कैमरा, उसके एसेसरीज, तो तुम लोग अपना 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 चश्मा लेकर आया करो, अपनी अपनी एसेसरीज लेकर आया करो। चश्मा कौन पहनता है? मैं अभी नहीं बोलूंगा, कम्युनिटी को बुरा लग जाएगा। कम्युनिटी को बुरा लग, गोरे लोगों का एक नेचर बहुत अच्छा है कि वो लोग आप कभी भी देखो, कभी भी मिलो, भले ही अनजान होंगे, लेकिन वो स्माइल करके तुम्हें बोलेंगे। Pump, pump.
तो ये जो लेकर जा रहे हो ये गाड़ी, ऐसी गाड़ी में अपने कब जाना है पता है? इसके अंदर कैंपिंग करेंगे वो लोग, बहुत सारी एक्टिविटीज करेंगे। तो क्या ख्याल है आप लोगों का? मेरा ख्याल तो ऐसा है कि इसके लिए क्लास 5 लाइसेंस की जरूरत होती है जो ऑलरेडी अपने पास है। तो अपकमिंग ट्रिप जल्द जाएंगे, बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन कैसे? जाना भी चाहिए, मैं तो बोलता हूँ अमेरिका जाओ। एक ही चीज बोलता है, डे वन से बोल रहे हैं, सबसे पहले जाने के बाद, सबसे पहले इसने बोले जा रहा हूँ टोरंटो में। 2 साल चले गए पर टोरंटो नहीं पहुंचा। 2 साल से ये बोल रहा है लेकिन अभी तक गया नहीं। कभी भी बोल के टोरंटो का रास्ता सबसे बड़ा है, लेकिन ये तूफान तो हर बार बोलता है और आता ही नहीं है या जाता ही नहीं है। जाएंगे ब्रो अपने कनाडा में, जिंदगी भर रहना है अभी। अपने जब भी जाएंगे ऐसी गाड़ी लेकर मस्त। ये गाड़ी नहीं है, इसको बोलते हैं आरवी, मोटर होम बोलते हैं। इसके अंदर पूरा घर की सामग्री होती है और फिर इसके वो लेकर आप जहाँ जाना चाहो वहाँ जा सकते हो। और शुभम भैया अगर हमको वॉशरूम आ गया तो? मुझे आइडिया नहीं है, आदि यू आर सो स्मार्ट। ऐसी सिचुएशन में मैं आगे कैसे आ जाता हूँ पता नहीं। तो धीमे धीमे हमें पता चला ऑन द वे कि योगी का वो गिम्बल वाला जो स्टैंड था वो गायब हो गया। अभी इसका फोन गायब हो गया, पता चलेगा एंड ऑफ द डे योगी गायब हो गया। वो गाय थी पीछे, गाय देखी तूने? ओ मिरेकल मिरेकल। तो हमें हमारा आज का जादू मिल चुका है। जर्नी हमारी अभी ख़त्म ही होने वाली थी, आई मीन मेन मंजिल पे पहुंचने वाले थे कि हमें थोड़ा कमर दर्द और वॉशरूम का थोड़ा ब्रेक लेना पड़ा। सो नाउ वी आर एट टिम हॉर्टन एंड सबवे, जहाँ जाना हो वहाँ जाओ। ऋषभ की नंबर प्लेट निकाल दी तूने? मैंने नहीं निकाली भाई। यहाँ पे पीछे डेपिनर जैसा भी कुछ था, तो अभी यहाँ से कुछ पीने के लिए ले लेते हैं। पानी भी नहीं पिया सुबह से, आई मीन सुबह से जब से घर से निकले तब से। वाटर बॉटल्स 24 or 12? How much is for 12? $4? $3.99. Okay. Give me this one. ये ले ली हमने पानी की बॉटल, अब प्यासी जनता प्यासी नहीं रहेगी। यहाँ पर हमारा ब्रेक खत्म होता है पानी वानी पी के, अब हम निकल रहे सीधा मॉन्टमोरेंसी की तरफ और मॉन्टमोरेंसी पे सीधा अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा। और अब आपको दिखाते हैं मॉन्टमोरेंसी फॉल। वैसे बताए कनाडा का नंबर 2 पे है मॉन्टमोरेंसी फॉल, नियाग्रा फॉल के बाद। गाड़ी के नीचे वेस्टलाइन गिरा दी और यहाँ मिला है हमें रिटर्न ले पीछे रिवर्स। हाँ मिल गया वेस्टलाइन। अपनी अपनी चीजों का केयर करा करो, चलते हैं मॉन्टमोरेंसी। ओ माय गॉड क्या व्यू है, वैसे अगर आप यहाँ हो और आपका बजट अच्छा खासा हो तो आप यहाँ पर क्रूज की भी राइड ले सकते हो जो $56 की है कुछ प्लस टैक्सेस, और हेलीकॉप्टर राइड $160 प्लस टैक्सेस है। सो अप टू योर बजट यू कैन गो एंड एंजॉय, बाकी व्यू बेस्ट आ रहा है। और यहाँ पर एक एक्वेरियम भी है जो यूजुअली समर टाइम्स में ओपन रहता है, बट मैंने कल चेक किया तो अभी वो नहीं चालू है। ये व्यू देख के लग रहा है कि वो 3 इडियट्स में गाना बजता है ना, उड़ती पतंग सा था वो यहीं पे रिकॉर्ड हुआ होगा। भाई तुम लोग क्यों झगड़ रहे हो एक दूसरे की एसेसरीज शू के? अपने अपना ब्लॉग के लिए अपनी अपनी एसेसरीज यूज किया करो। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि हम यहाँ जा तो रहे लेकिन हम लोग माउंट रेमलैंड जब गए थे तो 5 बजे के बाद सारी चीज़ें बंद हो गई थी, तो खाने पीने के लिए हमें देखना पड़ेगा कौन सी चीज़ ओपन है। इवन माउंट रेमलैंड में ओपन बताता था लेकिन हम उधर पहुँच नहीं पाते थे, और पहुँचते थे तो वो क्लोज होता था। वो सब नहीं बताने का बैकअप हमारे पास मैगी है। हम पहुँच गए मॉन्टमोरेंसी फॉल पे और एंट्री टिकट है कुछ 780 की, और अगर क्यूबेक लाइसेंस है तो आपको सस्ते में पड़ जाएगी। $7.5 टिकट है। ओ माय गॉड व्यू तो आ गया। अब हम आपको दिखाते हैं मॉन्टमोरेंसी फॉल में क्या स्पेशल चीज है जिसको देखने के लिए हम मॉन्ट्रियल से 200-300 किलोमीटर दूर यहाँ पर आए हैं। तो यही है वो हेलीकॉप्टर जो $150 में आपको पूरा मॉन्टमोरेंसी और क्यूबेक सिटी घुमाएगा। ये ड्रोन हमने निकाल लिया, गिम्बल रेडी है, मेमोरी कार्ड डाल देते हैं। हाँ तो अभी हम इसकी जॉयस्टिक्स असेंबल कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ के लिए ये कुछ ड्रेस कोड मैच करके रखा था, ये स्पेशली फॉल्स में पहनने वाला जैकेट है, इट वॉज गिफ्टेड बाय चिराग भाई। यहाँ के लोगों को देख के लग रहा है हम स्विट्जरलैंड आ गए। मैप में अपने मॉन्टमोरेंसी जा रहे थे कि स्विट्जरलैंड जा रहे थे, गलती से स्विट्जरलैंड तो नहीं आ गए ना? सॉरी बट यहाँ पर लिखा हुआ है ड्रोन नहीं उड़ा सकते, ना ही आप स्विमिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, ना ही आप कैंपिंग कर सकते हो, और ना ही कैंप फायर कर सकते हो, कचरा फेंक सकते हो। ओह माय गॉड
कचरा यानी फेंको ऐसे रस्ते पे नहीं डस्टबिन में। हाँ पर हम पीछे पहुंच चुके हैं डेफरिन टेरेस पे, यहाँ से व्यू बहुत बेस्ट आता है, स्पेशली नाइट टाइम के लिए बनाया गया है, बट अभी हम फर्स्ट प्लेस यहीं पहुंचे इसलिए यहाँ से देखते हैं व्यू और खतरनाक वाटरफॉल दिख रहा है। लुक एट द व्यू। मजा आ गई है एंड ये क्लिप हम तो रील्स में रखेंगे। नाइग्रा फॉल में भी ऐसे नीचे जा सकते हैं, बट नीचे फेरीज रहती है और आप वाटरफॉल के अंदर से देख सकते हो। यहाँ भी है नीचे जाने का, हम अभी जाके ट्राई करते हैं और देखते हैं व्यू वहाँ से भी। जे मुझे मेरे पैर पे ना कुछ सेंसेशन फील हो रहा है, मैं अब नीचे नहीं जा रहा भाई, पता नहीं क्या है हाइट वाला वो डर होता है ना वो फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही नीचे है वो भाई, और ये लकड़े की सीढ़ी है। चलो भाई चलो, डर लग रहा है नीचे जाने का, बट वो जो केबल कार्ट है केबल राइड है पता नहीं जो भी है उसके लिए यहीं से जाने का है नीचे से। ओह माय गॉड भाई, ये देख के मैं नीचे तक नहीं पहुंच पाऊंगा ऐसा लग रहा है भाई, बहुत ज़्यादा वो डर लग रहा है। इस पे स्लाइड करना है तुझे भाई, मेरा तो डर लग रहा है। इस साइड रहते हैं, इस साइड कम डर लगेगा। ये जो भी टेरेस है इसको डेफरिन टेरेस बोला गया है और यहाँ से व्यू अच्छा आएगा। राम 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 करके जल्दी निकलो, पहुँचने का नीचे। जोर से बोलो सारे, बोलो जोर से बोलो। चल चल चल, यात्रियों को हम बता दें कि अभी हमारी यात्रा खत्म नहीं हुई है, कृपया राह से भटके ना, मंजिल पे पहुंचना है, केबल काट के लिए जाना है, तो जल्दी तैयार हो जाइए और चलते हैं। अभी हमें ये सीढ़ियाँ उतरते उतरते सीधा 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 उधर आगे तक जाते ही रहना चाहते, और यहाँ पर आपको मिनी रेनबो देखा होगा डेवलप हो जाए। जैसे जैसे दिन ढल रहा है ठंडी बढ़ रही है और अभी हमें क्यूबेक सिटी जाना भी बाकी है।